हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपको हमारी लास्ट वीडियो अच्छी लगी थी ऑन मेंटल हेल्थ। और आज हम बात करेंगे कंसेंट के बारे में। तो कंसेंट का बेसिक मतलब क्या होता है? परमिशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए कुछ करे, तो उसके लिए आपको उनसे उनका परमिशन लेना बहुत जरूरी है। इसको हम आसान भाषा में अगर समझे तो जैसे आपकी बॉडी है, अब आपकी शरीर के पे सिर्फ आपका हक है, तो कोई आपको कोई कुछ कह नहीं सकता आपकी बॉडी को लेके, और ना ही कुछ करवा सकता है। तो उस हिसाब से अगर आपको कोई बोले कि टैटू बनवाओ, तो आप मना कर सकते हैं, क्योंकि आपका हक है। अगर आपका मन नहीं है तो आप क्यों करवाएंगे, है ना? तो इसीलिए इसको कहते हैं परमिशन देना, मतलब सहमति। आपकी सहमति नहीं है तो आप ना बोल दीजिए, और सामने वाले को ये बात मानना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले तो जैसे हग करना। हग मतलब किसी को गले लगाना। अब हर कोई अलग है, किसी को छूना मतलब किसी को ये गले लगाना अच्छा लगता है और किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप किसी को गले लगाना चाहते हैं, आपको हमेशा उनसे पहले उनसे उनकी परमिशन मतलब उनसे सहमति लेनी जरूरी है। अगर वो नहीं देता है तो आप उनको हग नहीं कर सकते हैं। सेम गोज फॉर सेक्स, मतलब जो लोग दोज हु वांट टू कम इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी, उनको हमेशा कंसेंट सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि दो लोग जब वो किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी मतलब सेक्स करना चाहते हैं, उनको हमेशा ध्यान रखना है कि सामने वाले की सहमति है। अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब किसी भी वक्त अगर दोनों पार्टनर में से किसी एक ने भी बोल दिया कि वो नहीं करना चाहते, तो सामने वाले को वहीं से पीछे हट जाना है। उनको ये रिस्पेक्ट मतलब उनको ये चीज उनके उनकी बात को मानना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं कंसेंट। अब जो कंसेंट है वो दो जगह काम नहीं करता है। वन, व्हेन आप 18 साल से उम्र के नीचे हैं एंड आपको बोलते हैं कि किसी भी लीगल कागजात पे साइन करने को, तो आप वहां पे साइन आप अगर करते भी हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई और डॉक्यूमेंट हो गया, आपका साइन नो साइन माना जाएगा, बिकॉज आप 18 साल से नीचे हैं एंड अकॉर्डिंग टू लॉ आपका मेंटल डेवलपमेंट अभी उतना हुआ नहीं है कि आपको नहीं पता कि आप किस चीज पे साइन कर रहे हैं, है ना? इसीलिए आपके सिग्नेचर्स नहीं वैलिड है उस टाइम पे। सिर्फ आपके पेरेंट्स या मतलब आपके माँ बाप या आपके गार्जियन मतलब जो आपकी देखभाल कर रहे हैं, सिर्फ उनका कंसेंट इम्पॉर्टेंट है। आपका कंसेंट नो कंसेंट है। सेकेंड, जब आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, आप किसी साथ सेक्स करना चाहते हैं, लेकिन आप 18 साल से नीचे हैं, उस टाइम पे भी आपका कंसेंट नो कंसेंट है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो लॉ बोलता है कि आपका आप नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो कंसेंट। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना टू से नो, कि अगर आप किसी चीज से बहुत अनकंफर्टेबल है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ना बोल सकते हैं, एंड सामने वाले को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मतलब वो आप पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर वो जोर जबरदस्ती करता है तो वो गलत है, एंड ये बात आपको हमेशा याद रखना है दैट नो मीन्स नो। तो सामने वाला भी अगर आपको नो बोलता है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड आप भी अगर नो बोलते हैं तो सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हेंस नो मीन्स नो। अगली बार कुछ नया पढ़ेंगे। ओके, बाय।